गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सीडीपी सुरक्षा। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू प्लेटफॉर्म बनाया है सीडीपी सुरक्षा नाम से, ताकि हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को जो है सब्सिडीज दी जा सके अंडर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सीडीपी सुरक्षा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है इंस्टेंट डिसबर्सल ऑफ सब्सिडीज के लिए फार्मर्स के बैंक अकाउंट में। ई रूपी वाउचर के थ्रू जो है एनपीसीआई द्वारा बनाया गया, उसके थ्रू जो है सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो ओल्ड सिस्टम में क्या होता था, फार्मर को पहले प्लांटिंग मटेरियल खुद खरीदना होता था, उसके बाद ऑफिशियल्स के पास उन्हें जाकर सब्सिडी के लिए बोलना पड़ता था। ठीक है, अब सब्सिडीज़ जो है फार्मर्स को अब फ्रंट दे दी जाएगी जब वो परचेज़ कर रहे होंगे अपना प्लांटिंग मटेरियल। वेंडर्स जो कि सप्लाई करेंगे प्लांटिंग मटेरियल, वो पेमेंट जो है वो रिसीव कर पाएंगे जब फार्मर्स डिलीवरी ऑफ देयर ऑर्डर्स को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है ये। 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर ही जो है कंट्रीब्यूट करता है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। तो अगर हम हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को देखें तो ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स बनाने के लिए, ताकि उन क्लस्टर्स को ग्लोबली कंपेटिटिव बनाया जा सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन को लीवरेज करना हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स बनाकर, हॉर्टिकल्चर की वैल्यू चेन को सपोर्ट करना, ये इसके सब इस तरह से ये डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम, ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को 20% तक इंक्रीज़ कर सकें, क्लस्टर स्पेसिफिक ब्रांड्स बना सकें, कॉम्पिटिटिवनेस जो है हम क्लस्टर क्रॉप्स की जो है वो इम्प्रूव कर सकें। लगभग 55 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स जो हैं अभी तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जिसमें से 12 जो हैं वो पायलट बेसिस पर सिलेक्ट किए गए हैं। तो गवर्नमेंट के हिसाब से लगभग 9 लाख हेक्टेयर जो एरिया है वो 55 क्लस्टर्स द्वारा कवर होगा, जिसमें 10 लाख फार्मर्स बेनिफिट लेंगे। ठीक है, अब ई रूपी क्या है, बेसिकली ये एक डिजिटल वाउचर है जिसमें कि बेनिफिशरी को फ़ोन पर ये SMS या QR कोड की फॉर्म में जो है डिलीवर किया जाता है। एक प्रीपेड वाउचर होता है, ये कॉन्टैक्टलेस कैशलेस वाउचर बेस्ड मोड ऑफ पेमेंट देता है। और बेसिकली जो है आपके फार्मर्स वो एक वाउचर कोड को जाकर बिना किसी कार्ड या डिजिटल पेमेंट ऐप के या बिना किसी इंटरनेट बैंकिंग के एक्सेस के सिंपल फ़ोन से भी जो है आपके बस वो कोड बताकर जो है वो इसको रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई कूपन कोड होता है वैसे उसी तरह काम करता है। इसको डिजिटल करेंसी मत समझो, ये एक तरह से कूपन कोड की तरह होता है, और ये पर्पस स्पेसिफिक भी हो सकता है। मतलब आपका जो जैसे आपका कोई भी कूपन कोड होता है वो पर्पस स्पेसिफिक होता है ना, तो ये भी ई रूपी भी ऐसा हो सकता है कि फार्मर जो है वो उसको सिर्फ हॉर्टिकल्चर जो से रिलेटेड, जब समझ लो वो कुछ फर्टिलाइज़र खरीद रहे हैं तो वो सिर्फ वहीं पर जाकर उसको रिडीम कर सकते हैं, ताकि सब्सिडी का मिसयूज़ ना किया जाए। ठीक है, और उस वो पर्सन ही उसको जो है रिडीम कर सकता है अपनी वेरिफिकेशन करवा के, जिसको वो डिलीवर किया गया है कूपन कोड। ठीक है, ई रूपी को रिडीम करने के लिए बेनिफिशरी को बैंक अकाउंट होने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ईजी है, 2-step रिडेम्पशन प्रोसेस होता है इसका, इवन बेसिक फ़ोन्स पर भी चला सकते हैं, क्योंकि आपने बेसिकली कूपन कोड या QR कोड ही आपने डिलीवर करना है ना। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है। ठीक है, इससे कॉस्ट सेविंग भी हो रही है ना। तो रियल टाइम पेमेंट्स हो जाती हैं सर्विस प्रोवाइडर को, तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये प्रीपेड वाउचर है तो बीच के इंटरमीडियरीज भी ख़त्म हो जाते हैं, तो करप्शन बीच का चला जाता है ना। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल ट्रेड एंड आउटलुक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने लेटेस्ट एडिशन जो है पब्लिश किया है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट का। तो WTO क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेट और फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस को। 1995 में ऑपरेशन में आई मराकेश एग्रीमेंट के बाद, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड को इसने रिप्लेस किया। तो ये फैसिलिटेट करती है ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अमंग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। ठीक है, तो 164 इसके मेंबर स्टेट्स हैं, जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है, और क्योंकि सारा डिसीजन जो है वो कंसेंसस से होता है, तो मतलब एक तरह से सारे मेंबर्स के पास वीटो पावर्स होती है इसमें, है ना। तो अगर हम देखें ग्लोबल ट्रेड आउटलुक और स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, ये रीसेंट ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट्स को एनालाइज करती है रिपोर्ट। और अगर हम इस साल की रिपोर्ट की हम टेकअवेज देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि वर्ल्ड मर्केंडाइज ट्रेड वॉल्यूम जो है वो 2.6% से ग्रो हुआ 24 में और 3.3% से ग्रो होगा 2025 में। वर्ल्ड की रियल GDP ग्रोथ जो है वो स्लो हुई है 3.1% 2022 में, और
2.7% हुई है 2023 में। US डॉलर वैल्यू जो है वर्ल्ड मर्केंडाइज ट्रेड की वो भी कम हुई है 5% 2023 में। वर्ल्ड ट्रेड जो है वो रेजिलियंट रहा है रीसेंट ईयर्स में, जबकि कितने इकोनॉमिक शॉक्स आए हैं 2024 और 2025 के पीरियड में कहा जा रहा है कि धीरे धीरे इन्फ्लेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जो हाई इन्फ्लेशन। लेकिन फिर भी डाउन साइड्स हैं करंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस और पॉलिसी अनसर्टेनिटी की वजह से, रिस्क ज़रूर हैं ग्लोबल ग्रोथ को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2024 के QS वर्ल्ड रैंकिंग में जो यूनिवर्सिटीज़ की वो रिलीज़ की गई है रिसेंटली। बेसिकली QS क्या है, एक लंडन बेस्ड ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट है। एनुअली ये पब्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स करते हैं और ये रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करती हैं 4 मेजर एरियाज़ में, रिसर्च, टीचिंग, एम्प्लॉयबिलिटी और इंटरनेशनल आउटलुक। तो ये जो ईच ऑफ द एरियाज़ होते हैं ये 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखते हैं। पहला एकेडमिक रेपुटेशन, दूसरा फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, तीसरा होता है साइटेशंस पर फैकल्टी, चौथा होता है एम्प्लॉयर रेपुटेशन और पांचवा होता है आपका इंटरनेशनल फैकल्टी या फिर स्टूडेंट रेशियो। ठीक है, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में ये देखा गया है कि लगभग 1500 यूनिवर्सिटीज़ को 95 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में जो है वो रैंक किया गया है। इंडिया की जो हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी वो JNU है, 20th है ग्लोबली में। सेकेंड पोजिशन जो है वो इंडिया में IIM अहमदाबाद की है और एक सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज है, वो 24th स्पॉट पर आया है ग्लोबली डेंटिस्ट्री में। इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर आ चुका है एशिया में लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में और बिहाइंड चाइना। और मोस्ट रिप्रेजेंटेड जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं DU, IIT बॉम्बे और IIT खड़गपुर। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है रिसर्च में, जनरेटिंग 1.3 मिलियन अकेडमिक पेपर्स 2023 और 2024 के पीरियड में, और 16% ग्रोथ देखने को मिली है इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क इंडिकेटर में। लेकिन ऑफ कोर्स एक स्लाइट डिक्रीज देखने को मिला है 5% इंडेक्स में, जो कि रिसर्च की प्रोडक्टिविटी कितनी है और उसका इम्पैक्ट कितना हुआ, मतलब आपने रिसर्च तो कंडक्ट की है पर उसका इम्पैक्ट कितना आया है। ठीक है, अब इंडिया जो है वो कुछ टाइम में UK को ओवरटेक कर लेगा रिसर्च प्रोडक्टिविटी में भी, ओके, अगर यही ट्रैजेक्टरी चलती रही तो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिफेंस अटैचे, ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने मिलिट्री और डिफेंस अटैचे जो है वो कई कंट्रीज़ में जो है वो पोस्ट करना शुरू कर दिया है अपनी स्ट्रेटजिक टाइज को एक्सपैंड करने के लिए। तो डिफेंस अटैचे एक मेंबर होते हैं आर्म्ड फोर्सेज के, जो कि एक एम्बेसी में सर्व कर रहे होते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हमारी कंट्री की डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो बेसिकली एक जेनरिक टर्म है डिफेंस अटैचे, जो कि कोई भी पर्सोनल हो सकते हैं लेकिन वो सभी आर्म्ड सर्विसेज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बायलैटरल मिलिट्री और डिफेंस रिलेशंस बढ़ाने के लिए उस कंट्री में सर्व कर रहे होते हैं हमारे एम्बेसी में, और इनको डिप्लॉय किया जाता है कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ के लिए भी, और इनको ऑफ कोर्स वियना कन्वेंशन के हिसाब से जो है वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी मिली होती है, फुल इम्यूनिटी मिली होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो NIIF ने रिसेंटली $200 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं IBUS नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि एक टेक्नोलॉजी फर्म है, ताकि इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। तो NIIF क्या है, एक फंड मैनेजर है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है। तो 2015 में इसको फर्स्ट एवर सोवरन वेल्थ फंड इंडिया का एस्टैब्लिश किया गया था। एक कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है ये इंटरनेशनल और इंडियन इन्वेस्टर्स के बीच में, और ये इक्विटी कैपिटल जो है डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की उसमें इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्राइवेट इक्विटी या फिर बाकी के डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स, इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो, ब्राउन फील्ड हो या स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हो। NIIF को 49% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। ठीक है, और मेजॉरिटी जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो ओन करते हैं इसको, और इसको इसीलिए प्रोफेशनली भी मैनेज किया जाता है बाय टीम ऑफ एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टमेंट्स एक्सपर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट्स। तो इसको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की तरह भी रजिस्टर किया गया है SEBI में। तो अब इस NIIF में जो है कैपिटल जो इन्वेस्ट की जाती है वो 4 फंड्स के द्वारा मैनेज की जाती है। पहला है NIIF मास्टर फंड, जो कि प्राइमरीली इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। दूसरा होता है प्राइवेट मार्केट्स फंड, जो कि थर्ड पार्टी मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है। तीसरा होता है NIIF स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जो कि लार्ज स्केल बिजनेसेस और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, चौथा है आपका इंडिया जापान फंड, जो कि एक पहला बायलैटरल फंड है, इन्वायरमेंटल प्रजर्वेशन के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5 ट्रिलियन की जो हमारी डोमेस्टिक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मार्केट है वो अभी भी कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो पाई है स्लो डाउन से। तो FMCG जो है वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जल्दी बिक जाते हैं और इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, हाई वॉल्यूम सेल्स होती है, क्विक इन्वेंट्री टर्नओवर होता है इनका। बेसिकली आपके जो एवरीडे आइटम्स होते हैं जैसे फूड और बिवरेजेस, टॉयलेटरीज, क्लीनिंग सप्लाईज या बाकी के जो हाउस होल्ड आइटम्स, उनको हम FMCG कहते हैं। इनकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कंज्यूमर्स में। तो FMCG जो है कंट्री का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है इकोनॉमी में और लगभग 5% टोटल फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट कंट्री में देता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। ये टॉपिक अगेन आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिस्कल मॉनिटर जो IMF की है, उन्होंने कहा है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो US, यूरोप या बाकी कंट्रीज़ ने इनोवेशन को स्टीयर करने के लिए लॉन्च किए थे या परसू किए थे, उससे कोई खास इकोनॉमिक ग्रोथ पे फ़र्क नहीं पड़ा है। तो फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट लेटेस्ट पब्लिक फाइनेंस डेवलपमेंट के ऊपर एक ओवरव्यू देती है, मीडियम टर्म फिस्कल आउटलुक देती है। हर साल में दो बार इसको प्रिपेयर किया जाता है IMF के फिस्कल अफेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा। जो इसमें प्रोजेक्शंस होती हैं वो सेम वही डेटाबेस पर जो है बेस्ड होती हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक या ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में डेटा यूज़ किया जाता है। इसको ऑफ कोर्स IMF के डेस्क के इकोनॉमिस्ट जो है प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो IMF क्या है? 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से बनाया गया एक इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम है। तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। कोटाज और सब्सक्रिप्शन के थ्रू इसको पैसा मिलता है मेंबर्स कंट्रीज से, और Washington DC में इसका ऑफकोर्स हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसकी कुछ फेमस रिपोर्ट्स हैं जो ये पब्लिश करता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। सो द फर्स्ट टॉपिक इज CDP सुरक्षा। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर गवर्नेंस सेक्शन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कम अप विद अ न्यू प्लेटफॉर्म कॉल्ड CDP सुरक्षा सो एज टू डिस्पर्स द हॉर्टिकल्चर फार्मर सब्सिडीज अंडर द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो दिस CDP सुरक्षा इज असेंशियली डिजिटल प्लेटफॉर्म विच विल अलाउ इंस्टेंट डिसबर्सल ऑफ सब्सिडीज टू फार्मर्स इन देयर बैंक अकाउंट यूजिंग द ERUPI वाउचर फ्रॉम द NPCI। सो CDP सुरक्षा इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द ERUPI कंसेप्ट। We will understand it later. So first of all, we have to see what was the old system and how this CDP Suraksha changes it. So under the old system, a farmer had to first buy the planting material on their own and then approach the officials concerned for the release of the subsidy. Okay, so it left them at the mercy of the officials only. Okay, so CDP Suraksha platform eliminates the need of these officials, and this will provide subsidies to farmers upfront at the time of purchasing the planting material. So vendors who will be supplying the planting materials to farmers will receive their payment only after the farmers verify that they have been delivered their orders. So horticulture sector contributes nearly 1/3 of the agriculture gross value addition. This is a substantial contribution to the Indian economy. So for that we have launched this Horticulture Cluster Development Program, which is part of National Horticulture Board, which is board's central sector scheme, and the aim is to grow horticulture sectors so as to make them globally competitive. And the program is designed in such a way so as to leverage the geographical specialization of horticulture sectors clusters and support the value chain of horticulture sector. So the aim is to increase exports of targeted crops by 20%, create cluster specific brands to improve the competitiveness of cluster crops. So far 55 horticulture clusters have been identified, and according to government around 9 lakh hectares of area will be covered through all 55 clusters covering 10 lakh farmers. Okay. So what is ERUPI? ERUPI is basically a digital voucher with a which a beneficiary gets on his phone in the form of an SMS or QR code. So it is a prepaid voucher, and basically ERUPI is a one-time contactless cashless voucher based mode of payment which helps users redeem the voucher without a card, digital payments app or any internet banking access. So ERUPI should not be confused with digital currency which has been launched by RBI, but ERUPI is a person specific and even purpose specific digital voucher. So consider it in such a manner that it is kind of a coupon code, and it is marked in such a way that you only can redeem, or the farmer can only redeem it at the specified
vendors to avail the subsidy, and this would go to the vendor's account. Okay, so farmer would get the subsidy, but of course this coupon code or in the form of e-rupee cannot be misdirected or misutilized in some other way by another person also. This e-rupee can also be person specific, that only this particular farmer can utilize it after verification that he or she is that particular farmer. Okay, so for consumers there are benefits that e-rupee does not even require a functioning bank account. It is easy, contactless, two-step redemption process. It is operable on basic phones also, because only you have to deliver the QR code or the coupon code. So e-rupee will strengthen the direct benefit transfer and make it more transparent. It will eliminate the middleman. Okay, so it will also lead to cost savings. So because the payments would be real time, so the service provider will also be getting the benefit, or in this case the vendor and the farmers both. So the next topic is Global Trade and Outlook Statistics Report. This topic is important for your economy section. So World Trade Organization has published the latest edition of the Global Trade Outlook and Statistics Report. So what WTO is an intergovernmental organization which regulates and facilitates international trade between nations, and it came into operation in 1995 following the Marrakesh Agreement, and it has replaced the General Agreement on Tariffs and Trade which was established in 1948. The aim is to facilitate trade in goods, services and intellectual property among participating nations by providing a framework for negotiating trade agreements which usually aim to reduce or eliminate tariffs, quotas and other restrictions. So WTO has 164 member states, and it represents over 96% of global trade and global GDP. Its headquarters is located in Geneva, and all the members enjoy veto powers. How? Because the decisions at WTO are taken by consensus only. So WTO's Global Trade Outlook and Statistic Report analyzes the recent global trade development trends. So if we look at the key takeaways from the recent report, then the world merchandise trade volume is projected to grow at 2.6% in 2024 and 3.3% in 2025. World real GDP growth has slowed from 3.1% in 2022 to 2.7% in 2023. US dollar value of world merchandise trade fell 5% in 2023. World trade has also remarkably been resilient in recent years. In 2024 and 2025, inflation is expected to gradually abate, and there are still risks to the forecast on the downside because of current geopolitical tensions and policy uncertainty. So the next topic is QS World University Rankings. This topic is important for your governance section. So 2024 edition of QS World Ranking for universities has been released recently. So QS is basically a London-based global higher education analyst, and it publishes this annual publication of university rankings based upon four major areas. First is research, teaching, employability and international outlook. So each of these areas are measured against six performance indicators. First is the academic reputation. Second is the faculty-student ratio, citations per faculty, employer reputation and international faculty or student ratio. Okay, so in the 2024 rankings, almost 1500 universities have been ranked. India's highest ranked university is JNU for developmental studies. Second position has been given to IIM Ahmedabad. Savita Institute of Medical and Technical Sciences has secured the 24th spot globally in dentistry. In Asia, India is second on the list of universities featured behind China. Most represented Indian universities are DU, IIT Bombay and IIT Kharagpur. So India is now the world's fourth largest producer of research, and it is generating about 1.3 million academic papers in the last year. And there has been 16% growth in international research network indicator, but there was a slight decrease of 5% in the index, which assesses the balance between research productivity and its impact. But still, given the current trajectory, India is on the brink of overtaking UK in research productivity. Okay. So the next topic is defense attaché. This topic is important for your international relations. So India has begun to post military and defense attaché to several new countries so as to expand strategic ties with key regions across the globe.
So a defense attache is a member of armed forces who serves in an embassy as a representative of his or her country's defense establishment abroad. So DA is a generic term which covers personnel from all branches of the armed services. So it is the DA's job to protect, develop and promote the defense interests of their country and the in the nation that they are assigned, as well as the bilateral military and defense relations. So some DAs are deployed to work on specific issues, and they also enjoy the full diplomatic immunity as per the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961. So the next topic is National Investment and Infrastructure Fund. This topic is important for your economy section. So NIIF has invested $200 million in IBUS Network and Infrastructure Private Limited, which is a connectivity technology firm, to support the growth of India's digital infrastructure. So NIIF is a fund manager which invests in infrastructure, and it was set up as the first sovereign wealth fund of India in 2015. So it is a collaborative investment platform for international and Indian investors, and it is having a mandate to invest equity capital in domestic infrastructure. So it invests across asset classes like infrastructure, private equity and other diversified sectors in India so as to generate attractive risk adjusted returns for its investors. It invests in greenfield, brownfield and stalled projects all. So it is owned by the Indian government and it is the country's biggest infrastructure fund. So the majority is owned by institutional investors, and they are and that's why it is managed professionally by a team with experience in investments and infrastructure. So it is registered as an alternative investment fund also. So there are four funds which manage the capital of NIIF. First is the Master Fund, which primarily invests in the infra-related projects. Then there is Private Markets Fund, which invests which is managed by third-party managers in infrastructure and associated sectors. The third one is the Strategic Opportunities Funds, which invests and develops large-scale businesses and greenfield projects which are of strategic importance to our country. The fourth one is the India-Japan Fund, which is the first bilateral fund which invests in environmental preservation in India. Okay. So the next topic is fast moving consumer goods. This topic is important for your economy section. So 5 trillion rupees domestic fast moving consumer goods market is still facing hurdles on its path to complete recovery from the current slowdown. So FMCG are those products which are sold quickly and at a relatively low cost. They are characterized by high volume sales, quick inventory turnover and various products catering to consumer needs. So these goods include essential everyday items like food and beverages, toiletries, cleaning supplies and other low-cost household items. They have a short shelf life because of high consumer demand. FMCG sector is the fourth largest sector in the Indian economy and it provides employment to approximately 5% of the total factory employment in India. So again, the next topic is Fiscal Monitor Report. This topic is important for your economy section. So as per the Fiscal Monitor Report of IMF, it has said that industry policy initiatives which were pursued by US, Europe and other countries to steer innovation in certain sectors have not performed well to boost economic growth. So what is Fiscal Monitor Report? It provides an overview of latest public finance developments and updates the medium-term fiscal outlook and assesses fiscal implications of policies relevant to the global economy. It is prepared twice a year by IMF's Fiscal Affairs Department. Its projections are based on the same database which is used for preparing the World Economic Outlook and Global Financial Stability Report. So these fiscal projections for individual countries have been prepared by IMF desk economists in line with World Economic Outlook guidelines. So what is IMF? It was formed in 1944 at the Bretton Woods Conference with a goal of reconstructing the international monetary system. Its mission is to promote global economic growth and financial stability. So it gets its money through quotas and subscriptions from member countries. It fosters economic growth and employment by providing temporary financial assistance to countries who are facing balance of payment crisis and even technical assistance. So World Economic Outlook and Global Financial Stability are two major reports which are published by IMF, and its headquarters is located in Washington, D.C. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.